सम्मानित मंच, क्योंकि अगर नाम लेने पर आया तो बहुत लंबी फौज है और सभी साथियों, अभी बात सब लोग कर रहे थे साथ चलने की, साथ मिलने की। हमने जब से सियासत शुरू की, पहली बार 2007 में सभासद बने, 2012 में पहली बार आप लोगों ने मौका दिया ऊपर वाले की दुआ से मानो चेयरमैन बने। चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से बने थे, हमने कोई पार्टी कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं देखा, हर चीज को साथ लेके चलने का काम किया हर आदमी। वो जो 2012 में मैं आपको बता दूं, जो छवि बनाने का काम किया जो मेरा विपक्षी था, आज भी वो पूरी कौम को धोखा दे के दूसरे लोगों में जाके मिलने का जिसने काम किया वो मेरा विपक्षी था। 50-100 लोग उसकी तरफ से, चाहे कोई हमें गुंडा कह रहे थे, चाहे हमें मान लो हिंदू विरोधी कह रहे थे, उन सब चीजों का प्रचार करने का काम किया था 2012 में। लेकिन 2000 क्योंकि हम मसला कुछ और था, सियासत उनकी और हमारी मुस्लिम समाज में ही थी, हिंदू समाज में वोट मांगने का नंबर भी नहीं आया। इतने दो दिन पहले जब मैं चुनाव में गया तो मुझे पता लगा कि यहाँ का जहर घोलने का काम हो रहा, मानो मेरे खिलाफ प्रचार किया जा रहा कि ये कह रहे मुझे तो हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। लेकिन चलो चुनाव हुआ 104 वोट से ऊपर वाले के हुक्म से और जनता के जरिए 104 वोट से मैं चुनाव जीता। और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने कावड़ शिविर अपने खर्चे से लगाने का काम किया और जनता में ये मैसेज देने का काम किया कि जो मेरे लिए प्रचार कर रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान को फर्क करता हूँ, मेरे लिए सब धर्म बराबर। दूसरी बात, 5 साल काम किया, पहले हिंदू समाज का काम किया, बाद में मुस्लिम समाज का काम किया, पूरी जनता का विकास कार्य। अभी सदीप भाई भी बता रहे थे, जगपाल भाई भी बता रहे थे, हमने अपनी जो ग्रांट होती है, जो राजवीत और एक बीच बदलता आ रहा, 13वां भी 14वां भी 15वां भी थे, ये सेंटर की का पैसा है, राज्य भी गवर्नमेंट का पैसा है, उसके बाद जितनी चेयरमैन में ताकत हो वो पैसा लिया है सरकार में, चाहे किसी का जुगाड़ हो, चाहे मानो जिस सिस्टम से भी लाने का तरीका है, वहां लखनऊ में हमें पता है पैसा कैसे लाया जाता है, कैसे होता है। तो ग्रांट लाने का काम किया हमने, एक मुश्त 5 साल में 25 करोड़ रुपए का विकास कार्य। अभी जिन लोगों ने 2017 में पैसे के बूते, बाद लोग मेरे से एक सवाल पूछते हैं, कहने लगे जब तुमने इतना काम किया 12 से लेकर 2017 तक तो तुम हारे क्यों? उस हार का कारण आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने समाज सेवा के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया, समाज सेवा के नाम पे लोगों की मदद की और कहा, कहने लगे भाई हमें कोई लालच नहीं है, और लालच उन्होंने 2017 में आप लोगों के बीच में कहा कि हम चुनाव लड़ा। की जनता ने सोचा कि जब ये बिना चुनाव लड़े बिना चेयरमैन बने, हमारी इतनी खिदमत कर रहे, और अगर ये चेयरमैन बन गए तो उसके बाद तो ये पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मैंने हर मंच से चुनाव में कहा था, ये लोग तुम्हें धोखा देने का काम कर रहे, जिस दिन इनको आपने चाहे इज्जत दे दो चाहे ना दे दो, उसी दिन ये जो दवाई देने का काम कर रहे या अनाज देने का काम कर रहे वो सब बंद हो जाएगा। और लोग तो कुछ और, कोई अगर उनकी जगह होता तो वो चुनाव का रिजल्ट आने का इंतजार करे। जाना 5 बजे जिस दिन वोटिंग हुई थी 2017 में जब चुनाव हो रहा था, तो उसी दिन शाम को 5 बजे सब थिएटर बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा हमें तो चुनाव लड़ना था, हमें इस पाले के हाथ लगाना था, हमने लगा लिया, अब इनसे हमारा कोई वास्ता मतलब नहीं है। जब ये चेयरमैन बन गए, 5 साल तक इस नगर पंचायत का, इस ऑफिस का और इस कस्बे का क्या हाल हुआ सबके सामने है। लोग बहुत से इस चीज को कहते हैं जो मेरे विरोधी है, चाहे वो हिंदू समाज में हो चाहे मुस्लिम समाज में हो, कि अंतिम उनका रवैया हल्का है, चेयरमैन का रवैया टाइट है। ऐसा है, मैं हर आदमी के साथ, जो आदमी सही है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, और जो आदमी गलत है उसके मुकाबले खड़ा होने की हिम्मत करता हूँ। इसीलिए आज रही बात चुनाव में, मैं चुनाव लड़ा, मेरे पे किसी पार्टी का किसी दल का कोई ठप्पा नहीं है, मुझे हर पार्टी के आदमी ने वोट देने का काम किया, मुझे समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया, मुझे बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वोट दिया।
तो मेरी हर आदमी ने मदद करने का काम किया। फिलहाल मेरे पे किसी पार्टी का कोई लेवल नहीं है और इसी हिसाब से जब मुझे सब लोगों ने वोट दिया, मैंने पहले 5 साल सबका काम करने का काम किया, अब भी वही काम करने का काम करूंगा। आप देखना इस कस्बे को, क्योंकि 5 साल जब मैं चेयरमैन रहते हुए जब कोई चेयरमैन बनता है तो वो यहाँ जब पहुंच जाता है तो 1-2 साल से श्रीनगर एग्जाम 2-3 साल वो काम करता है, जितने टाइम पूरा हो जाए, अगली बार अगर वो हट जाए तो उसे मान लो फिर उसका दरबार दिल में ही रह जाए। लेकिन मैं पूरा तैयार हूँ पहले की तरह, मान लो मैं कोई चीज नहीं भूल रहा, कोई सिस्टम नहीं बदला, तो दोबारा पहले ही दिन से कल से विकास कार्य इस कस्बे में शुरू हो जाए। हमने और यो साहब ने मिल के शपथ से पहले ही बैठ के अपनी कार्य योजना तैयार कर दी और पहले ही साल इंशाल्लाह 10 करोड़ रुपए का बजट इस कस्बे में लगाने का। और जिन लोगों को ये हल्की बात करते हैं, अकबर में नरम बात करते थे, उन्होंने कस्बे में जहर घोलने का काम किया। अगर किसी ने ये कहा पैसा क्यों नहीं आ रहा, कस्बे में विकास क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो भाई प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता की पार्टी की सरकार मुसलमानों को पैसा नहीं देती। हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी विकास कार्य में बाधा नहीं लाती। सब विकास अगर कोई मांगने जाएगा, बिना मांगे कोई नहीं देगा। अगर मांगोगे तो हर पार्टी विकास करना चाहती है। तो मेरी आप लोगों से, उन्होंने इस चीज को भाई हमने पहले भी करके दिखाया है, 12-17 से 22 तक हमारे जो एक दो अमजद खान हमारे साथी है, उन्होंने कहा मुझे ठेकेदारी करनी, हमने और नगर पंचायत में इनकी बात करके ठेकेदारी की और वहाँ से क्या नाम 10-15 15-20-20 करोड़ रुपए लखनऊ से पास करा के अमजद खान ने वहाँ विकास कार्य कराए। जब हम दूसरी नगर पंचायत में इतना पैसा ला सकते हैं, क्योंकि अपनी नगर पंचायत के लिए हम दिन रात एक करते हैं। विश्वास के साथ मुझे वोट दिया, 24 घंटे आपके बीच रहूंगा, 24 घंटे किसी भी दिन रात जिस टाइम आपको ये ना कोई कैमरा लगेगा, ना कोई कैमरे में देखने का कोई ना करने का काम करूंगा। पूरी बैठक है, चबूतरा है, जिसको जिस टाइम भी आना है आपके लिए, अगर कच्चे बनियान में हुआ जब भी आपके साथ एक चीज का ब्लेम लगता है। पहले क्योंकि 5 साल चेयरमैन रहा, फिर हार गया, हारने के बाद कुछ चीजें निकल गई। अगर किसी हिंदू समाज के आदमी के साथ कोई बात हो गई और वो मुस्लिम समाज का हुआ तो वो हिंदू समाज का साथी हमारा घर बैठे जो सोच ले अगर आप चेयरमैन के पास जाऊंगा पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल मत रखना, बात जायज होगी, इंसाफ की होगी। गलती अगर मुसलमान की होगी तो मुसलमान को सजा मिलेगी, गलती हिंदू की होगी तो हिंदू को सजा मिलेगी। मुस्लिम समाज में एक चीज का अंदाजा इस बात से लगा ले कि भाई ये पठान है, अगर पठान गलत काम करेगा भाई पता नहीं औजार का हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा। जो बात उस पे लागू है वही बात इस मामले में लागू है। कोई की बिरादरीवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, कोई जातवाद नहीं, सबको साथ लेके चलना है। सबका विश्वास विकास, सबका साथ सबका विश्वास। जय हिंद जय भारत। और इंशाल्लाह आप लोगों को कभी मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ये आज हमें नई कुर्सी नहीं मिली, ये 10 साल का एक्सपीरियंस है चंदन साहब को, और इंशाल्लाह आप लोगों को कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी और आप सब लोगों का इतना ही इज्जत और सम्मान मिलेगा। और हमारी टीम का जो चंदन साहब के साथ टीम थी वो बहुत मेहनत कर रही थी और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।